गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और नव निर्मित पुलिस आवास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सबसे ज्यादा शहादत पुलिस के जवानों ने दी है, विपरीत परिस्थितियों में भी वे हमेशा जनता की सुरक्षा में लगे रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ में कानून व्यवस्था का जायजा लिया और नव निर्मित पुलिस आवास का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, क्षेत्रीय सांसद गुमान डामोर, क्षेत्रीय विधायक भूरिया और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संकट काल में सबसे ज्यादा शहादत पुलिस के जवानों ने दी है। आम जनता की सुरक्षा में बगैर मौसम की परवाह किए हुए पुलिस हमेशा सड़क पर तैनात रही और पुलिस ने लोगों की जान माल की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पीपीपी मोड में पुलिस कर्मियों के लिए आवास निर्मित किए जाएंगे, जिससे उनके बच्चों के लिए लाइब्रेरी सहित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। चौराहे पे खड़ा खांसता रहता था ड्यूटी पर, लेकिन घर नहीं जाता। घर जाने पर उसे ये डर लगता था कि मैं घर जाऊंगा तो मेरा बेटा कहीं संक्रमित ना हो, मेरी पत्नी कहीं संक्रमित हो जाए। इच्छा होने के बाद भी मेरा पुलिस का जवान नहीं गया और उसने सीमा पर सैनिक जैसे रहता है ऐसे अपनी ड्यूटी पे रहा और परिणाम ये हुआ कि सारे के सारे अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग का अब तरबूत करेंगे, हिसाब लगाएंगे। सबसे ज्यादा शहीद हमारे पुलिस वाले हुए, सबसे ज्यादा शहीद इस कोरोना के बाद। हमारा जवान तो वैसे भी मित्रों शहीद होता रहता है। आज सुबह जब एक्सयूवी से घिसटता हुआ अपने ड्यूटी पर मेरा माजी भोपाल में पुलिस वाला चल बसा तो मन को पीड़ा होती। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।